हाँ जिसे आप समझिए सपोज ये डोर है कोई भी एंट्रेंस हो खाली से नहीं बाहर के एंट्रेंस ये हमारे रूम की भी एंट्रेंस है तो इसके ऊपर निगरानी रखनी है चाहे अंदर से चाहे बाहर से ये दोनों जगह से आपको कभी वॉल क्लॉक भी रखना घड़ी कैलेंडर कभी नहीं डालना लगाए तो क्या होता है लगाए तो देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है हमारे वॉल क्लॉक था ना वो ऊपर ही था बार बार बंद ही पड़ता चलता ही नहीं था नहीं नहीं देखिए वो तो खैर बंद और उसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो तो चांस भी हो सकता है कि वो बंद हो गया इट्स नॉट बीइंग लाइटेड तो ऊपर रहेगी तो चलेगी नहीं लॉजिकली क्या होता है जैसे सपोज ये एंट्रेंस है यहाँ पर हमने घड़ी लगाया है कोई भी चीज़ टांग दी कभी ऐसा होता है वो कील कमजोर हो गई कुछ हो गई आप जा रहे हो तो पता लगा आपके ऊपर ही जमेगी है ना तो इट कैन हार्म यू है ना पता नहीं होता ना कभी वो कील कमजोर हो गई कुछ भी हो गया तो वो गिरती तो हार्म भी कर जाती इसीलिए आपके सिर के ऊपर आने जाने के रास्ते के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं साइंटिफिकली है मतलब बेसिकली एक्चुअली क्या है बहुत सारी चीजें साइंटिफिकल है जिनको आप दूसरी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर लेते हैं कि उसको आदमी डर से तो किसी चीज को मान लेता है कई बार साइंस की वजह से आदमी नहीं मानता डर से आदमी ज्यादा मानता है चीजों को ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है तो इसीलिए आपको उसके ऊपर घड़ी मिला कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है आर यू गेटिंग माय पॉइंट वास्तु के हिसाब से क्या है कि सारी चीजें पूरी मैग्नेटिक एंगल होने के हिसाब से और पता लगा वो इस तरह से हो गया ठीक है इस तरह से हो गया तो ये कट हो गया ना पार्टी तो ये जो कट पार्ट होता है कभी भी अच्छा नहीं मिसिंग पार्ट्स इनको बोलते हैं वास्तु में दी आर नेवर गुड क्योंकि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है ना अगर वो कट हो गया तो यानी कि स्ट्रेंथ कम हो गई स्ट्रेंथ कम होने से क्या है तो उससे होने वाले बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिल पाते वो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं तो दिस इज नोन एज कट ईस्ट ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी ऊपर जो होती है ये डस्टबिन अगर अपन लोग रख देते हैं डस्टबिन स्टोर रूम ईस्ट में अगर होता है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ठीक है आपको अच्छा लगता है पॉजिटिविटी आपको इसीलिए एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए एक और कॉमन इशू जो आता है जो भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके साथ आता है शू रैक का वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि क्या होता है कि शू रैक शूज अंदर जाते नहीं है और इतने स्पेसेस होते नहीं कि आप शू रैक को कहीं और रख पाओ तो हम चाहे या ना चाहे लाइकली और अनलाइकली शू रैक हमेशा एंट्रेंस के पास ही होती है आइडियली एंट्रेंस के पास शू रैक नहीं होनी चाहिए क्योंकि जूते क्या होता है बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ से पता नहीं हम जमीन में चल के जाते हैं कितनी सारी एनर्जी इसको लेकर के जा रहे हैं वो सारी एनर्जी जो है हमारे घर के दरवाजे पे आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसका क्या तरीका है शू रैक इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड तो हमें बंद वाला शू रैक बनाना चाहिए वो शू रैक बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास अगर रखना मजबूरी है तो बंद जिसमें शू दिखाई ना दे ओपन शू रैक कभी मत रखिए और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होनी चाहिए नेवर एवर कभी भी नहीं होनी चाहिए फैले हुए जूते चप्पल ठीक है और दूसरा आप क्या कर सकते हो आप उस शू रैक के ऊपर यू कैन पुट सम फ्लावर्स ओवर देयर टू मेक इट मोर पॉजिटिव को आप पॉजिटिव करने के लिए आप उसको कुछ प्लांट्स पर रख सकते हो थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाएगा कि आपको भी घुसते हुए बुरा ना लगे आपको भी अनइजीनेस फील ना हो तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएटर होता है दैट इज क्लटर